स्टूडेंट्स वेलकम टू असमिक विद्यालय माई सेल्फ सुरेखा पटेल एंड टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अवर न्यू लेसन चैप्टर नंबर 14 इंडिया लोकेशन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी 2 इंडिया लोकेशन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी जिसके बारे में पार्ट 1 जिसके बारे में हम लोग ने लेसन नंबर 13 के अंदर डिस्कस किया. देयर वी हैव टू बी डिस्कस अबाउट एक्चुअल the land area, longitudes, latitudes, and after that there is we have to be discuss about the neighboring countries of India and its structure. These all things we have to be discussed into the lesson number 13. And today we are going to discuss the same thing but part 2. Here we have to be studied about more about the Indian geographical structure. So let's begin it. The landform which is irregular and has some undulation on the surface of the earth is called physiography. Land area जो irregular है और undulation यानी कि जो hilly touch area जो होता है That is, उसका जो सरफेस है अर्थ के ऊपर उसको फिजियोग्राफी कहा जाता है कि ये सब के अंदर इरेगुलरिटी लैंड के अंदर इरेगुलरिटी हर एक जगह पे प्लेन एरिया नहीं है हर एक जगह पर हिली रीजन नहीं है तो ये सारी अलग अलग चीजें जो है जिसको फिजियोग्राफी कहा जाता है इट इंक्लूड्स ये जो फिजियोग्राफी है जिसके अंदर माउंटेन प्लेटूस प्लेन एक्सेट्रा जिसके अंदर माउंटेन प्लेटूस एंड प्लेटूस यानी कि जो हिली रीजन्स होते हैं वो प्लेन्स एरिया जो है वो इंक्लूड किया जाता है. रिलीफ फीचर का यहाँ पे अगर हम लोगों को एक पिक्चर दिया गया है कि जमीन के ऊपर आप लोगों को किस अलग अलग तरीके की डाइवर्सिटी जो है वो दिखेगी कि गल्फ एरिया है ओसीज है डेजर्ट एरिया है ड्यून है रिवर है एस्टुअरी है ओरिजिन है देन आफ्टर पिटमिन एंड प्लेटू ऐसा जो रीजन होता है हाली एंड डाउन एरिया दैट इज अ पिटमिन एंड प्लेटू रिवर प्लेटू एरियाज लेक प्लेन जो सीधा सब मैदान तरीके का जो एरिया होता है वो सी कॉस्ट सी के नजदीक का जो एरिया होता है दैट इज अ कॉस्ट कॉस्ट एरिया के सामने जो रीजन होता है दैट इज अ बेसिन एरिया. तो यहाँ पे हम लोगों को फॉर्म्स ऑफ रिलीफ जो है वो दिए गए है जिसके द्वारा हम लोगों को पता चलता है कि जो लैंड एरिया होता है उसके अलग अलग कितने फीचर्स हो सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोग्राफी इंडिया कैन डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग फिजियोग्राफी रीजन्स इंडिया के अंदर जो अलग अलग रीजन्स जो है वो डिसाइड किए गए हैं जिसमें फर्स्ट वन नॉर्थन माउंटेन माउंटेनियस रीजन नॉर्थन पार्ट के अंदर जो माउंटेनियस रीजन है वो ग्रेट नॉर्थन प्लेन्स नॉर्थन एरिया के अंदर जो प्लेन एरिया है वो पेनिनसुलर प्लेटू यानी कि जो द्वीपकल्पीय विस्तार जो रहता है उसको पेनिनसुलर प्लेटू कहा जाता है. द कोस्टल प्लेन्स यानी कि जो सी रिवर्स होता है उसके आजू बाजू का जो कोस्ट एरिया होता है उसको कोस्टल प्लेन्स कहा जाता है. तो ये कोस्टल प्लेन एरियाज एंड आफ्टर दैट Archipelagos, archipelagos यानी a group of island that the sea around them. ये island का जो group है जिसके आजू बाजू जो है वो sea route होता है उसको क्या कहा जाएगा archipelago. तो ये इस तरीके के अलग अलग region के अंदर ये हमारा जो India का physiography part है उसको divide किया गया Here we have to be see that different rivers India relief का ये map हम लोगों को दिया गया है जिसके अंदर mountainous region, plain regions, after that river area, different type of rivers, their basins, these all should be given in this map. So you have to be studied it at properly.
ओके नेक्स्ट, ये जो फिजियोग्राफी है जिसके अंदर फर्स्ट वन है नॉर्थन माउंटेनियंस रीजन, तो उसके बारे में हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे। दिस इज एन इम्पोर्टेंट नेचुरल रीजन ऑफ इंडिया। इट इज नोन एज द हिमालयन माउंटेन सिस्टम, स्प्रेड ओवर 2400 किलोमीटर इन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन इन द नॉर्थ। ये जो है इंडिया के अंदर नेचुरल रीजन, जो इम्पोर्टेंट नेचुरल रीजन है, बिकॉज जिसको हिमालय माउंटेन रीजन, हिमालय माउंटेन सिस्टम जो है से भी माउंटेन रीजन जो है वो कहा जाता है। जो नॉर्थ में, नॉर्थ डायरेक्शन में वेस्ट 2400 किलोमीटर एरिया में वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में स्प्रेड हुआ है। इट हैज एन अर्क शेप। इसका जो शेप है वो अर्क, जो आप लोग मैथ्स में अर्क ड्रॉ करते हो मैथमेटिक में, दैट इज अर्क शेप। इट्स विथ रेंज बिटवीन 2040 किलोमीटर टू 320 किलोमीटर। इसकी जो विथ है वो 240 से लेके 320 किलोमीटर से। द हिमालय इज नॉट अ सिंगल माउंटेन बट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मैनी माउंटेन्स रेंज। ये एक अकेला माउंटेन नहीं है लेकिन अलग अलग माउंटेन का एक समूह है। गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अफगानिस्तान इट एक्सटेंड अप टू म्यांमार वाया इंडिया, नेपाल एंड भूटान। जैसे ही आप लोग जो वेस्ट में, वेस्ट से, वेस्ट में अफगानिस्तान से ईस्ट तरफ आओगे, टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की ओर आओगे, तो ये म्यांमार से लेके इंडिया, नेपाल और भूटान तक जो है एक्सटेंड हुआ है। इट हैज मोर स्पैन इन तिब्बत इन द नॉर्थ, और जो है वो तिब्बत तक जो है वो स्पान यानी फैलाया, फैला हुआ है। इट इज अ पार्ट ऑफ द माउंटेन सिस्टम नोन एज द पेमीर नॉर्थ। ये जो है वो पेमीर नॉर्थ के नाम से ये एक माउंटेनियन रीजन है, जो माउंटेन रीजन के नाम से, पेमीर नॉर्थ माउंटेनियन रीजन के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय ऑन द होल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू डिविजन्स। हिमालय जो है वो दो डिवीजन में है, एक नॉर्थन हिमालय रीजन एंड ईस्टर्न हिमालय रीजन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नॉर्थन हिमालय रीजन। देयर आर थ्री माउंटेन रेंज पैरेलल टू ईच अदर। नॉर्थन हिमालय रीजन के अंदर तीन माउंटेन्स है पैरेलल। द नॉर्थन रेंज इज कॉल्ड द ग्रेटर हिमालयस, और ये नॉर्थन पार्ट के अंदर जो हिमालय रीजन आई है उसको ग्रेटर हिमालयस के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज द लॉफ्टेस्ट रेंज अमॉन्ग द हिमालयस वेयर इन देयर आर मोर देन 40 पीक्स विच एक्सीड हाइट ऑफ 7000 मीटर्स। यानी कि हिमालय के अंदर ये सबसे हाई जो है माउंटेनियन रीजन से, जो जिसके अंदर 40 पीक्स जो है वो आए हुए है और उनकी जो हाइट है वो 7000 से भी ज्यादा है। मोस्ट फेमस अमोंग देम इज माउंट एवरेस्ट विच इज 8848 मीटर्स हाई। ये जो पीक्स है उसके अंदर माउंट एवरेस्ट जो पीक है दैट इज वेरी हाई, और उसका, उसके जो हाइट है वो 8848 मीटर्स है। इट इज एन नेपाल चाइना बॉर्डर। वो कहाँ पे है? नेपाल और चाइना बॉर्डर पे। इट इज नोन एज सागर मत्था इन तिब्बत। तिब्बत के अंदर वो सागर मत्था के नाम से भी जाना जाता है। अदर फेमस पीक इज गुडविन ऑस्टिन। दूसरा जो फेमस पीक है वो गुडविन ऑस्टिन, जिसकी हाइट 8611 किलोमीटर जो है, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, और जो इंडिया का हाईएस्ट पीक है, इंडिया के अंदर ये हाईएस्ट पीक है। देयर आर थ्री डिस्टिंक्ट
रेंज इन हिमालय विच आर ऑलमोस्ट पैरेलल टू इच अदर, दोनों तीनों जो है वो एक दूसरे से पैरेलल है। इन द ग्रेटर हिमालयस देर आर सम हाई माउंटेन्स पासिस सच एज जिलेपला, नाथुला, सिप्किला एक्सेट्रा। ये जो माउंटेनियर रीजन्स जो है वो जो एक्सटेंड हुए पैरेलल है, जिसके अंदर ग्रेटर हिमालयस के अंदर जो ये हाई माउंटेन्स पासिस होती है, जिसमें जिसके अंदर जो है जिलेपला, नेथुला और सिपकिला, ये जो माउंटेन्स है वो पासिस होते हैं। मानसरोवर दैट इज चाइना विच इज कंसिडर्ड टू बी स्कैड होली प्लेस इज लोकेटेड इन दिस रेंज। मानसरोवर जो है वो होली प्लेस से भी जाना जाता है, जो ये माउंटेनियर हिमालय माउंटेनियर रीजन के अंदर आई हुई है। यहाँ पे हम लोगों को थिंग्स टू नो दिया हुआ है। माउंट एवरेस्ट जिसकी हाइट है 8848 मीटर्स, इसके अलावा K2 यानी कि माउंट गोडविन एस्टिन, जिसको K2 नाम से भी जाना जाता है, दैट इज 8611 मीटर्स। कांचीजंगा एवरेस्ट दैट इज 8598, दैट इज आफ्टर दैट मकालू 8481 मीटर्स। आफ्टर दैट धवलगिरी दैट इज 8198 एंड अन्नपूर्णा दैट इज 8070 मीटर्स। तो इस तरीके की माउंटेन रीजन्स जो है ये हिमालय रीजन के अंदर आई हुई है। सेकेंड रेंज टू द साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालय, हम लोग ने पहली वो देखी वो नॉर्थ नॉर्थ रीजन की थी, अभी साउथ की। इज ऑल्सो स्प्रेड इन वाइड एरिया, इट इज कोल्ड अ सेंट्रल हिमालय और अ लेजर हिमालय। जो साउथ की ओर फैली हुई है उसको सेंट्रल हिमालय या लेजर हिमालय से भी जाना जाता है। विद अ विड रेंजिंग फ्रॉम 80 to 100 किलोमीटर, दिस रेंज इंक्लोज माउंटेन रेंज लाइक पीर पांचल, महाभारत, नागतिबा एक्सेट्रा। यहाँ पे जो माउंटेनियर रेंज जो आई है उसमें पीर पांचल, महाभारत, नागतिबा, ये सारी माउंटेन रीजन्स जो आई हुई है। मैनी हिल स्टेशन हैव डेवलप्ड इन दिस मॉडरेटली हाई रेंज, यहाँ पे ज्यादातर हिल स्टेशन जो है वो डेवलप हुए है। सम ऑफ दिस हिल स्टेशन आर डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, मसूरी, रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल, दार्जिलिंग एक्सेट्रा। यहाँ पे जो हिल स्टेशन डेवलप हुए है ये सारे नाम्स यहाँ पे दिए हुए हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब एक्सेट्रा आर फेमस होली प्लेस। इसके अलावा टूरिस्ट के अलावा होली प्लेसेस भी यहाँ पे है। कुल्लू, कांगड़ा एंड कश्मीर आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल नेचर वैलीज इन दिस रीजन। ये साउथ के अंदर जो है कुल्लू, कांगड़ा एंड कश्मीर, जहाँ पे ये हिमालय रीजन एक्सटेंड हुई है, दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल रीजन। नेक्स्ट थर्ड रेंज, सेकेंड रेंज के बाद अभी थर्ड रेंज देखते हैं। तो सिचुएटेड इन अ फर्दर साउथ इज नोन एज अ शिवालिक एंड मोस्ट ऑफ इट्स फॉल विद ही इंडिया। जो थर्ड रेंज है उसका जो फर्दर साउथ साउथ पार्ट में ही है वो शिवालिक आउटर हिमालयस के नाम से जाना जाता है, जो हिमालय की पहाड़ की ओर है। इसकी जो हाइट है वो इट इज अबाउट 10 to 15 किलोमीटर वाइड एंड हैज एन एवरेज हाइट ऑफ 1000 मीटर, और उसकी हाइट जो है वो 1000 मीटर है। पेसिलियर वैली फॉर्मेशन हैव टेकन प्लेस इन दिस रेंज विच आर कवर्ड बाय ग्रावल, स्टोन एंड थिक सेंडिमेंट। यहाँ का जो एरिया है वो ग्रावल, स्टोन और थिक सेंडिमेंट से कवर हुआ है। लोकली दीज आर नोन एज अ, ये जो एरिया है वो दून यानी कि देहरादून, पाटली दून और कोठारी दून एक्सेट्रा, ये सारे नाम से जाने जाते हैं। ये जो एरिया है वो दून दून के अंदर देहरादून, पाटली दून एंड कोठारी दून, ये नामों से ये जानी जाती है। चलो आफ्टर दैट माउंटेनियन रीजन के अंदर हम लोगों ने नॉर्थन रीजन की बात की, अभी ईस्टर्न हिमालय की बात करते हैं।
रेंज सिचुएटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय रेंज हैव लेजर हाइट, जो ईस्टर्न पार्ट में है उसकी इतनी हाइट नहीं है। सम ऑफ देम आर मोर फेमस एज हिल्स, दीज हिल्स इन ईस्टर्न हिमालयस आर स्प्रेड एज स्मॉलर रेंज, अमोंग देम पटकाई हिल्स आर सिचुएटेड इन अरुणाचल प्रदेश, नागा हिल्स इन नागालैंड एंड लुसाई दैट इज मिजो हिल्स इन मिजोरम। तो इस तरीके के साउथ पार्ट के अंदर, सॉरी ईस्टर्न पार्ट के अंदर ये सारे हिल्स जो है वो आए हुए हैं। दीज हिल्स आर लोकेटेड नियर द ईस्टर्न बॉर्डर एंड हैव देयर कंटिन्यूएशन इन अराकान योमा रेंज ऑफ म्यांमार। ये जो हिल्स है वो ईस्टर्न बॉर्डर की ओर सिचुएटेड है और उसके कंटिन्यूस यानी कि आगे स्प्रेडनेस की वजह से ये अराकान योमा यानी कि म्यांमार तक इसकी रेंज जो है वो फैली हुई है। गारो, खासी एंड जेंटिलिया हिल्स आर इन मेघालय। मेघालय के अंदर गारो, खासी और जेंटिया ये जो है हिल्स आए हुए है। माउंटेन्स रीजन हैव मोर रेनफॉल सो डेंस फॉरेस्ट हैव डेवलप्ड हियर। माउंटेनियस रीजन्स में रेनफॉल्स की मात्रा जो होती है वो ज्यादा होती है एंड दैट इज व्हाई जो डेंस फॉरेस्ट है वो यहाँ पे ज्यादा डेवलप है। एज दिस इज अ फॉरेस्ट एरिया रोड एंड रेलवेज हैव नॉट डेवलप्ड मच। और ये जो हिमालय रीजन है, ईस्टर्न हिमालय रीजन है, वहां पे डेंस फॉरेस्ट यानी कि गिच एकदम गिचोगिच जो है वो जंगल होने की वजह से यहाँ पे रेलवे रोड और दूसरे जो फॉरेस्टेड एरिया है वो ज्यादातर डेवलप नहीं है। थैंक यू।